जहां एक तरफ भारत अपना चौथा ही पिंक बॉल टेस्ट खेलने उतरेगी, वहीं पर रोहित शर्मा अपना 400वां मैच खेलने उतरेंगे, जिससे पहले इस चैलेंज की तैयारी में लग गई है भारतीय टीम और इस नई कलर की गेंद को समझने की कोशिश में है भारतीय खेमा। क्या कुछ हुआ है प्रैक्टिस सेशन में, मैं बताने के लिए आ गया हूं आपके पास क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सारांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले भारत ने सफाया किया श्रीलंका का, वो भी पारी और 222 रनों की एक बड़ी जीत हासिल की, वो भी 3 दिन के अंदर ही मैच को खत्म किया और फिर से दोबारा यही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश जारी रहेगी भारतीय टीम की और इसी माइंडसेट के साथ उतरना चाहेगी भारतीय टीम डे एंड नाइट टेस्ट मैच का। अगर स्वरूप थोड़ा सा बात की जाए तो इसको समझने की कोशिश करती दिखाई दी है भारतीय टीम, जिसमें कुलदीप यादव की जगह अब अक्षर पटेल को शामिल किया गया है टीम के साथ और वो दिखाई भी दे रहे थे वहां पर बुमराह के साथ में हंसी मजाक करते हुए, साथ ही बॉलिंग भी करवाई उन्होंने। वहीं पर विराट कोहली भी शतक जो है मार सके इस मैच में ये कोशिश उनकी रहेगी, क्योंकि पिछला जो शतक आया था वो भी पिंक बॉल से ही आया था, तो फिर से एक बार यहां पर कोशिश रहेगी कि जहां पे छोड़ा था वहीं से शुरू किया जाए पिंक बॉल से। तो फिर ये शतक जो है उसका इंतजार विराट कोहली भी शायद कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर मोहम्मद सिराज जो है वो भी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं, साथ ही मयंक अग्रवाल भी पिंक बॉल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बिहेव करती है ये गेंद बल्लेबाजी करते वक्त, उनको भी देखा वहां पर इस गेंद को बहुत ध्यान से देखते हुए। जयंत यादव और उमेश यादव भी वहां पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, हालांकि उमेश का खेलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है जहां पर मोहम्मद शमी और बुमराह जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज जो मौजूद हो। ऐसे में अब अक्षर पटेल की टीम के साथ जुड़ने के बाद प्लेइंग 11 में कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ हो गया है, साथ ही शुभमन गिल जो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे क्या उन्हें भी मौका मिलेगा, ये तो होगी देखने वाली बात। क्या लगता है आपको 400वें मैच में रोहित शर्मा ठोकेंगे अपना शतक या फिर विराट कोहली करेंगे यहां पर एक कीर्तिमान और स्थापित अपना शतक पूरा करके? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से। शुक्रिया।